हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज के दिन पे सबसे बड़ा सवाल जो था लोगों का वो ये था कि आज मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिरा, और उसका जवाब हो सकता है आप सभी को पता भी हो। वो रीजन ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उस वजह से मार्केट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज, हर जगह जो मार्केट्स हैं वो सारी गिर चुकी हैं। बहुत बड़ा बड़ा करेक्शन आज के दिन पे देखा गया है। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया की भी मार्केट बहुत बुरा गिरी है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अभी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी से और फिर सेंसेक्स पे जाएंगे और बात करेंगे सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो कि खासकर कोविड के बाद मार्केट में आए हैं, जिन्होंने आज तक कोई क्रैश नहीं देखा था, जिन्होंने ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं देखी थी, उनको करना है तो क्या करना है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को रिव्यू कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन हो रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज के दिन पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 16,247 पे क्लोजिंग दी है। 815 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 4.78% मार्केट यानी कि निफ्टी आज के दिन पे नीचे क्लोज हुआ है। दोस्तों, कोविड के बाद से ये सबसे बड़ा फॉल था जो आज के दिन पे देखा गया है। इतना बड़ा करेक्शन कोविड के बाद से जब से रिकवरी शुरू हुई थी तब से लेकर के आज के दिन तक इतना बड़ा करेक्शन आज तक निफ्टी में नहीं हुआ था। आज करीबन 2 साल बाद निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन देखा गया है। अभी मैं बात करूं निफ्टी में सपोर्ट्स की, तो दोस्तों आप सबसे पहला सपोर्ट जो है वो निफ्टी में 15,900 के पास है। फिर इसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो 15,650 के पास है। तो चलिए देखेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या होता है। और अभी रिव्यू करते हैं हम लोग सेंसेक्स को। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स भी आज कोविड के बाद से सबसे बड़ा करेक्शन सेंसेक्स में आज के दिन पे हुआ। सेंसेक्स आज के दिन पे 2,702 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है, जो कि 4.72% है। अप्रोक्सीमेटली 5% नीचे क्लोज हुए हैं निफ्टी भी और सेंसेक्स भी। अभी हम लोग एक और इंडेक्स रिव्यू कर लेते हैं, जो कि है रशिया का इंडेक्स। ये मैंने रशिया का इंडेक्स ओपन कर दिया है। रशिया के कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को के नाम से ही इंडेक्स है इसका, रशिया का मॉस्को एक्सचेंज। तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों देख सकते हो आज के दिन पे अभी राइट नाउ मार्केट यहाँ पर चल रही है और ये 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। 1,575 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर सबसे बड़ा फॉल अगर बात करें, जो सबसे लो बना है, तो 40% से भी नीचे का लो आज के दिन पे मॉस्को एक्सचेंज के अंदर बना है। तो आप सिचुएशन सोच सकते हैं कि वहां के इन्वेस्टर्स की क्या सिचुएशन हो रही होगी। और यही चीज अगर इंडिया में निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर हुई होती, इसके अलावा अगर निफ्टी सेंसेक्स में भी इतना ज्यादा फर्क आता है, तो आप जानते हैं कि जो स्टॉक्स हैं उनमें भी फर्क आ जाता है। तो अगर मैं स्टॉक्स की भी बात करूं तो अपने इंडिया में भी करीबन 600 से लेकर के 700 स्टॉक ऐसे थे जिनमें आज लोअर सर्किट लगा था। आज के दिन पे एक और खास बात हुई है, वो ये है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, इसका जो प्राइस है वो प्रति बैरल $100 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसके बहुत सारे बुरे इंपैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो यूरोप है और यूएस है, ये बहुत सारा क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे, इस वजह से वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां पर जो चीजें हैं उनके दामों में बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी, बहुत प्राइसेस हाई हो जाएंगे, और उसका इंपैक्ट आपको अपने देश इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बुरी चीज है जो कि आज के दिन पे यहाँ पर हुई है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है और कितना महंगाई यहाँ पर बढ़ती है। वैसे भी कोविड के बाद से इंडिया के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है। एफडी की जितने रेट्स भी नहीं है, उससे भी ज्यादा रेट है यहाँ के इन्फ्लेशन का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग करें तो करें क्या। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूं कि मैं भी कोविड के बाद ही मार्केट के अंदर आया था। 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, उसके बाद जब स्टॉक मार्केट ऊपर भागने लगा था और जो सारे ब्रोकर्स हैं वो लोग जब एडवर्टाइज करते थे स्टॉक मार्केट के बारे में, तब उसके बाद ही मैं भी स्टॉक मार्केट के अंदर आया था। तो इस तरीके की पेंडेमिक या फिर क्राइसिस जैसी सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुई है। ना मैंने कोई पेंडेमिक के टाइम की सिचुएशन देखी है स्टॉक मार्केट की, और ना ही मैंने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा कि 2008 में हुआ था वैसी सिचुएशन भी आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है। तो ये सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुई है। एंड मेरे ख्याल से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी मेजोरिटी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नए ही हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये सिचुएशन पूरी मेरे लिए नई है, लेकिन यहाँ पर मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स को सुना, कई सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनी, उनका क्या कहना है चलिए उसके बारे में बताता हूँ। और उन्होंने जो बात कही वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत ही सही बात है। अभी उनका ये कहना है कि अगर आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है जिनका कोई भी डेट नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनीज है,
तो ऐसी कंपनीज इस तरीके की जो वॉर और क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, इनमें इनके स्टॉक प्राइसेस जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। अगर आप रिलायंस को उठा के देख लें, इन्फोसिस को उठा के देख लें, टीसीएस को उठा के देख लें, ऐसी कंपनी जिनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप इन कंपनीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी कोई ऐसा क्राइसिस हुआ है इनके स्टॉक प्राइसेस जरूर नीचे गिरे हैं, लेकिन क्राइसिस ओवर होने के बाद इनके स्टॉक प्राइसेस में बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है और हमेशा ये एक अपना नया हाई बनाती है। तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिनमें हमने निवेश कर रखा है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और वो अच्छी कंपनीज हैं, तो उनके स्टॉक प्राइसेस आने वाले दिनों में ऑफकोर्स इम्प्रूव हो जाएंगे और ये अपना एक नया हाई जरूर बनाएंगे। एंड दूसरा पॉइंट अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी कंपनी में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री करी थी, यानी कि स्विंग ट्रेड लेने के मकसद से ही आपने उसके अंदर एंटर किया था, तो आपको उस ट्रेड के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो कितना ज्यादा करेक्ट हो जाएगा वो स्टॉक और कितना ज्यादा आपका जो पैसा लगा हुआ है वहां पर वो कितने दिनों तक वहां पर अटका रहेगा, इसकी कोई भी संभावनाएं नहीं है। इसीलिए वहां पर अपना स्टॉप लॉस लेके जरूर चलें, अपना एक टारगेट भी सेट करके रखें। अगर रिकवरी होती है, आपका टारगेट हिट हो जाता है, तो अपना प्रॉफिट भी रेगुलर बुक करके चलिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।